हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज लेंगे हम नज़ारे पर्यावरण के, बढ़िया नज़ारे। और यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो आप देख ही लोगे थंबनेल में, वैसे तो देख ही लिया होगा। इधर से हम आएंगे राजू चौक से होते हुए, तो ये बीएसएफ कैंप है। बीएसएफ कैंप के साथ साथ रास्ता जा रहा है, जैन फार्म का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से ये वन वे रोड स्टार्ट हो जाता है और ये एक चेक पोस्ट आता है बीएसएफ का। हालांकि फिलहाल यहाँ पे कोई खड़े नहीं है जवान वगैरह। ये इधर बीएसएफ कैंप है, उसके साथ से ये रास्ता जा रहा है। नेचर का मजा लेने जा रहे हैं आज मैं और मोंटू, क्योंकि काफी दिन हो गए, कभी बरसात हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, मौसम खुल ही नहीं रहा है। धूप ही आज कई दिन में निकली है, दिन बहुत प्यारा आज। आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है हमारा देश, 26 जनवरी है, छुट्टी का दिन है और अपनी छुट्टी स्पेंड करने के लिए आ गए हैं हम चंद्रशेखर फार्म, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको प्रकृति से प्यार है, प्रकृति से प्यार है, नेचर से प्यार है, ग्रीनरी पसंद है, और आप इसको कह सकते हो गुड़गांव की हिल्स भी, भाई बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, जो टाइम ही नहीं मिलता चीजों से, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए जगह फ्रेश बेटर है। देखिए यहाँ के कुछ ये जा रहे हैं हमारे एक्टर कौन है, मॉडल कौन सा, फोटो तो आप खिंचवा रहे थे भाई गाड़ी में, गोविंदा तो लग रहा भाई राठौर वाला सिस्टम। राठौर शाहरुख खान कौन है, रावड़ी राठौर आगे है। चलो देख अच्छा शाहरुख खान, शाहरुख खान आप शाहरुख खान हो क्या ना जी, वो बोल रहे हैं आपके दोस्त, वो कोई नहीं कुछ नहीं, वो कोई नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे बोल रहे हैं ना, ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा सर, खड़े हो बाइक जिस पे कार से खिंचवाएं फोटो, तब जाओ अभी आगे खिंचवाएंगे चलो। तो ये भी घूमने आए हैं हमारी तरह, और ये है इसकी एंट्री। ओए क्या एंट्री है यार, क्या पेड़ से बना दी है ये तो इसका आधा दरवाजा टूटा हुआ है। ऐसे रास्ते में गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। तो भाई गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, और जगह है मोंटू पहली बार आया है यहाँ तो काफी अच्छी जगह दिख रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति लग रही है मेरे को। अभी उतर के दिखाते हैं आपको ये सारी जगह, एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से, चलते हैं। आई लुक ड्रंक, आई थिंक यहाँ पे मास्क की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा रश भी नहीं है, पर मास्क लगाना जरूरी है, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन फिर भी अपने साथ लेके चलते हैं। चलो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ है ये पार्किंग एरिया, और शुरुआत आते ही मिल जाते हैं हमें मुरलीधर श्री कृष्ण जी महाराज। तो भाई श्री कृष्ण जी भगवान के बाद में आ जाते हैं बलराम जी, जो श्री कृष्ण जी के भाई थे, उनके भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद तो यार जगह बड़ी शांत है, लोग बाग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और हम भी चल रहे हैं आगे। आ जाओ मंटू। और ये परशुराम जी भगवान जी का बनाया हुआ है यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है परशुराम जी की, जो ठीक पीछे है हमारे, और ठीक राइट में हमारे गौशाला है। अभी दिन में तो यहाँ पे शायद गाय नहीं मिलेगी, वो जंगल में चरने के लिए चली जाती है। नरसिंह अवतार में श्री नारायण भगवान, एक यहाँ पे बनाई हुई है मूर्ति नारायण भगवान की, जो वामन अवतार लिया था उन्होंने।
तो ये है दोस्तों माँ भुवनेश्वरी मंदिर, और ले चलते हैं आपको, कराते हैं उनके दर्शन। और ठीक सामने स्थापित है उनकी मूर्ति। चलो ऊपर चलते हैं मोटो। और यहाँ पे एक ब्रिज है, छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है ताकि बरसात में पानी ऊपर से आए तो यहाँ से निकल जाएगा नीचे की तरफ। चलते हैं उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। तो थोड़ा दूर ट्रैक करने के बाद हमें दर्शन होंगे शिव शंकर के, अभी कराएंगे आपको दर्शन। तो कुछ फैमिलीज आई हुई है दोस्तों यहाँ पे अपना वीकेंड बिताने के लिए, और काफी शांति है यहाँ पे, क्राउड भी है आज। तो अभी हमने आपको दर्शन कराए शिव शंकर जी के, अभी आपको करा देते हैं थोड़े दर्शन नेचर ब्यूटी, नेचर ब्यूटी के, जिससे होगा मोंटो रिलैक्स। ये तो नेचुरल ब्यूटी है, नेचर ब्यूटी। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। अभी शिव शंकर जी की मूर्ति से सिर्फ हमने 5 मिनट का थोड़ा सा ट्रैक किया, और वहां से आने पे यहाँ पे हमें दिख रही है पूरी चारों तरफ की ये हिल्स, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा कर लेते हैं चिल आउट हम भी बैठ के, ट्रैकिंग के बाद मोंटू की सांसें फूल गई हैं। बुढ़े आदमी भाई, उम्र का तगाजा तगाजा। कैसा लग रहा है व्यू? रिलैक्सिंग, एकदम शांत। फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पे अपने वीकेंड बिताने के लिए, लंच पार्टी। तो तुम्हारे पिटारे में क्या है वो भी दिखा दो। हमारे पिटारे में है, we got some fruits, guavas, we have some guavas, look at these, farm juicy and ripe. Yeah. And small berries. Little guava. Little guavas, like tiny balls. मजा आ रहा है भाई यहाँ पे। अब रिलैक्स करो यहाँ पे कुछ देर, जब आए हो तो कुछ टाइम बिताओ यहाँ पे, तभी मजा आया। किसी भी जगह आप जाओ तो थोड़ा टाइम बताओगे तभी उस जगह का पता लगेगा ना। अब हाथ लगा के भाग के आना तो फिर एक अलग बात है, जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का है। अगर आप भी हो गए हो अपनी रेगुलर लाइफ से बोर और चाहिए एक वीकेंड के लिए एक बेहतर जगह, तो आप भी आ सकते हो चंद्रशेखर फार्म की, ये जो माउंटेन हिल्स है इनका आनंद ले सकते हो। यहाँ पे बहुत ही शांति है, यहाँ पे मंदिर है, पेड़ पौधे, फूल, माउंटेन्स, यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग भी हो जाएगी और अच्छा एक वीकेंड भी आप बिता पाओगे। फैमिली के साथ भी आ सकते हो और फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो। तो यहाँ पे है ये फॉरेस्ट एरिया, और आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि आज है 26 जनवरी तो सरकारी छुट्टी होती है आज, उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं लोग बाग, अपना वीकेंड बिता रहे हैं यहाँ पे। उनमें से एक हम दोनों भी हैं, मैं और मोंटूस। यहीं पे दोस्तों एक पॉइंट है, वो यहाँ से पूरा नज़र आ रहा है।
हम जाएंगे यहाँ से नीचे ही मंदिर के पास, थोड़ा वक्त और बिताएंगे मंदिर के पास, फिर चलेंगे नीचे। एक रास्ता आहा दो राही, तू चोर मैं सिपाही। तो ये ट्रैकिंग होती है यहाँ पे ख़त्म, फिर आ गया मंदिर और हम गए थे वहाँ से, और अब हम आए हैं यहाँ से शॉर्टकट, तो चलते हैं नीचे। भाई नहीं जा सकता तू तो। और अब आ गए हैं हम दूसरी साइड, यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें एक थोड़ी सी झील छोटी सी, और इस साइड में है जो ये झील है छोटी सी एक पहाड़ के बीच में, और जो पहाड़ में जीव जंतु है जानवर है उनके लिए पानी का एक ही यही सोर्स है, और इसको भी हमने गंदा कर रखा है यार लोगों ने, मतलब एनिमल्स के लिए कोई स्पेस नहीं है, है ना। अभी इन्हें बेचारे को पहाड़ में भी पानी ना पीने दे, तो अपनी जो गार्बेज है अपने घर ही रखो, इधर उधर डिस्पोज करो, कितनी हर जगह है, कहीं नारियल कहीं कुछ कहीं कुछ, तो दिस हैज़ टू स्टॉप। एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है देखने में, तो कोई कमी नहीं है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे भी, ये व्यू पॉइंट जहाँ से हमें वो एक झील भी दिखाई देती है, और बाकी तो घिरा हुआ है पेड़ पौधों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे थोड़ी माउंटेन हिल्स दिखाई दे रही है। तो भाई घूम लिए हैं हम चंद्रशेखर के फार्म में, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा, रिलैक्स हो गए एकदम, काफ़ी थका हुआ लग रहा है। अब रिलैक्स हो गए तो थक ही गए ना यार काफी, थोड़े बहुत ऊपर चढ़े नीचे उतरे, इधर दोनों साइड इसके लगभग हर हिस्सा घूम लिया, और अब चलते हैं घर पे। यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, क्योंकि गुड़गांव में जो भाई हैं जिन्होंने ये जगह नहीं देखी वो आके देख सकते हैं, अपना वीकेंड बिता सकते हैं। ओके बाय, ओके बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।